से करते हैं। और ये पूरे नारायण पूना में मशहूर है और ये हमारी कुल की देवी की पूजा हम हमारे घर में करते हैं। वैसे ये नवरात्रि बार डांडिया में करते हैं और ये जो हम करते हैं ये हमारे घर के मांडवे हम लोग जो बनाते हैं ना इस तरीके से हम सजाते हैं। माता जी बताएंगे आप यहाँ नवरात्र की तैयारियाँ कैसी होती है और नवरात्रा यहाँ कैसे मनाते हैं और आप अपना यहाँ घर का जो ये माता का स्थान आप लोगों ने सजाया है तैयारियाँ कैसे की है इस सब के बारे में आप बताएं। जय सावन माता, जय सदगुरु देव की। ये हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं नवरात्रि। इसको हम जब जन्माष्टमी होती है ना उससे पहले से हम तैयारी करते हैं इसकी और हमारे पूरे घर के परिवार पूरे अफराद इसकी तैयारी करते हैं और हम लोग ये बनाते हैं। आप सबको हिंदू नवरात्रि जितने भी हैं हम हर साल नवरात्रि का त्यौहार अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। साल में एक बार आता है तो हम उसे नारीपुरा प्रचरण नारीपुरा कराते। सावन माह हमारी देव है और नवखंड का पाठ हम चितरते हैं हर साल जो हम उसकी सेवा करते हैं और बस रक्षा करें हम सबकी माँ सावन माँ दया करें। हम मेरी तरफ से सबको अभिनंदन है नवरात्रि। जय श्री राम। जय माता दी। ये जोग माया मंदिर रचोले नारंगा का है। यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी जोशो खरीश नवरात्रि का तेरा त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है और मस्जिद आज तीन दिन हुए हैं। मस्जिद और 9-10 दिन हम इसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर शाम संध्या के वक्त में आरती होती है। सुबह 4 बजे आरती होती है। देवी माता की ड्रेसिंग की जाती है नए नए ड्रेसिंग और डेली कोई ना कोई रोज किस कोई ना कोई माता के चाहने वाले श्रृंगार ला के माँ को अर्पण करते हैं। हाँ मैया होता है, गरबा होता है, रास होता है, कुछ भाई आते हैं जो यहाँ पे माता के भजन करते हैं, डाक करते हैं, इस तरह से बहुत रौनक करते हैं।